जय भी। आप सभी का, मैं रजत मोर आप सभी का स्वागत करता हूँ बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम जातक कथाओं से बुद्धि के प्रबंधन सीखने की कोशिश करते हैं, बुद्धिस्ट मैनेजमेंट सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद रहते हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने एक दशक तक बुद्धि के प्रबंधन को ऊपर खोज की है, जातक कथाओं के ऊपर खोज की है और कई किताबें भी लिखी हैं। अगर आप उन किताबों को खरीदना चाहें तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी आपका बहुजन साहित्य के प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय सर। तो आज कहानी है मालुत जातक। मालूम ये मालुत जातक कथा। ठीक जातक, ये हमने दूसरा जो वर्ग है वो शुरू किया जी हुआ सर। है, ठीक आपको तो मालूम है। अपंडक जातक में 10 कहानियां हम लोग समाप्त कर चुके, और ठीक अब तक इस दूसरे वर्ग की जो कहानियां जो सील वर्ग में आती थी उसमें हमने देखा सारी उदाहरण कथाएं हिरणों पर, हिरण हाँ जो डियर हैं, है ना, उन पर उन पर कहानियां बनाई हुई हैं, जो केस स्टडीज हैं उनको लेकर के, है ना। लेकिन अभी जो हमारे सामने कहानी है मालुस जातक, ये आपके इसमें हिरण नहीं है। एक अच्छी अच्छी चीज अपवाद ये है कि इसमें हिरण हिरण नहीं है, और इसमें सिंह और बाघ है, व्याघ्र। ठीक तो सिंह और व्याघ्र ये कहानी में उदाहरण कथा में आते हैं, लेकिन जो वर्तमान कथा है उसमें आते हैं दो पात्र जो बूढ़े अस्थविर हैं, दो बूढ़े अस्थविर हैं, और उनको अरण्यवास मिला हुआ है ना। अरण्यवास क्या तो होता सर? ठीक अरण्य अरण्य मतलब होता है जंगल, यानी है, मतलब जंगल में जो जाके रहना उनको। जंगल में रहते हैं, साधना करते हैं, यानी प्रव्रजित हैं, अस्थविर पद तक पहुंच चुके हैं, उनको साधना में काफी समय सफलताएं हो मिल गया। चुकी हैं। अब ये जो अपने अंतिम पड़ाव पर संघ में न रह करके वो जैसे एक अरण्य में वास करते हैं, है ना, जंगल में सबसे एकांत में, क्योंकि अब उनका अर्हत पद पाना है, आखिरी पढ़ाव पर शायद है ना, इस ढंग का कुछ होगा। तो होता क्या है कि पहली लाइन, अब मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि अपने जातक कथाओं की एक शैली है, पहली लाइन में शास्ता जो है कहाँ पर है इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इसमें है जो गाथा कही है, काले वा यदि वा जुड़ने थी, ये गाथा कही शास्ता ने जेतवन में विहरते हुए दो चिर प्रव्रजितों, चिर प्रव्रजितों माने बहुत लंबे समय से प्रव्रजित हैं, वृद्ध साधु हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, अस्थवीर हैं, वृद्ध हैं, और बहुत पहले प्रवृत्त, यानी उनमें काफी साधना का जो कई सालों तक वो साधना करते रहे हैं, अब अंतिम पड़ाव पर वो अपने अरण्य में एकांतवासी हैं और अपने साधना में लगे हुए हैं। तो क्या हुआ था कि ये दोनों एक साथ रहते थे अरण्य में, एक का नाम था काल अस्थवीर और एक का नाम था जुण्ण अस्थवीर, है ना। अब काल और जुण्ण ये दो तरह के दो नाम है ना। अब काल जो है एक ऐसा नाम है जो कि कृष्ण पक्ष को भी काल कहते हैं, ठीक अच्छा है, जो जो चंद्रमा का जो कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है, आपको तो मालूम है ना। तो जो कृष्ण पक्ष है उसको काल कहते हैं और जो शुक्ल पक्ष है उसको जुण्ण कहते हैं, है ना। तो ये आपस में बात करते हैं, जो काल है वो जुन्न से कहता है कि भंते सर्दी किस समय पड़ती है ना। अब अरण्य में सर्दी तो लगती ही होगी जंगल में, तो वो कहता है कि सर्दी किस समय पड़ती है। तो उसने उत्तर दिया जुन पक्ष में, यानी शुक्ल पक्ष में, ठीक है। शुक्ल हाँ, ये किसने पूछा था, ये काल ने जुन्न से पूछा था, पक्ष। ठीक जुन से। अब उसी तरह से उसको भी शंका होती है, वो भी उससे पूछता है कि सर्दी कब पड़ती है, तो वो कहता है काल पक्ष में, ठीक है, जो सर्दी सर्दी जो है वो कहता है काल पक्ष में, और वो कहता है जुन पक्ष में, और इन दोनों में शंका चलती रहती है आपस में। हो सकता है इसी बात पर कुछ विवाद भी होता हो, हालांकि विवाद की बात कहीं नहीं है ना, दोनों अस्थवीर हैं, बूढ़े हैं, तो इस तरह का कोई विवाद नहीं दिखाया गया है, लेकिन शंका दोनों के मन में है, क्योंकि काल कहता है कि अपने काल पक्ष में पड़ती है, जुण कहता है कि जुण पक्ष में पड़ती है। तो वो दोनों निवारण के लिए जाते हैं शास्ता के पास, जेतवन पहुंच जाते हैं।
अच्छा, अब जैतवन में जब पहुंच करके वो कहते हैं शास्ता से, है ना, तो शास्ता जो है इसका निवारण करते हैं उनको एक केस स्टडी बता करके, है ना। तो केस स्टडी इस तरह आती है कि यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद शैली में भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि किसी राजा का नाम और वैसा राष्ट्र का नाम और ब्रह्मदत्त का नाम नहीं आया है ना। इसमें बात एकदम सीधी तरह से कह दी गई है कि दो मित्र थे, है ना, पूर्व समय की बात है कि दो मित्र थे, सिंह और व्याघ्र। सिंह लायन और व्याघ्र मतलब टाइगर। तो दो मित्र थे ये, अपना एक कहीं हिमालय की किसी उपत्यका में जो है दोनों गुफा में रहते थे, और उस समय जो बोधिसत्व था वो एक तपस्वी था, अच्छा और ऋषि प्रव्रज्ञा लिया हुआ था और वो भी पास में हिमालय में कहीं रहता। ठीक तो इन दोनों में जो व्याघ्र और सिंह में वही बातचीत चल रही है ना। दोनों में ये शंका है, वो कहता है कि सर्दी जुन्न पक्ष में पड़ती है और वो कहता है कि काल पक्ष में पड़ती है। तो दोनों दोनों तपस्वी के पास आते हैं। तो तपस्वी उनको एक एक गाथा कहता है ना। अब ये गाथा जो है बहुत ही सरल सरल गाथा, इसलिए मैं इसको सुना देता हूँ, बिल्कुल समझ समझ में आ जाएगी। काले वा यदि वा जुन्ने, यदा वायति मालुतो, वात जान ही सीतानी उभुत्थ परम्परा जिताती, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि काल पक्ष में अथवा जुन्न पक्ष में जब भी वायु वायु यानी मारुत, है ना, मारुत से ही उसका समझिए कि अपभ्रंश हो गया मालुत, है ना, जो मालुत जातक नाम है ये मारुत का टूटा हुआ फॉर्म है ना। तो वो कहता है कि जब काल पक्ष में हो कि जुन्न पक्ष में हो, जब भी वायु चलता है सर्दी पड़ती है, शीत हवा से उत्पन्न होता है, दोनों ही कथन ठीक है, माने अपराजित है, ठीक है, मतलब तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, लेकिन सर्दी का उसके चंद्रमा के पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, वो हवा के ना। ऊपर। शीत वो हवा को, जब शीत चलता है तो सर्दी पड़ती है ना। तो दोनों का समाधान हो गया। अब जो है कि इसमें अंत में मिलान होता है, आपको तो मालूम है। तो मिलान में बता दिया कि एक तो सिंह है, काल अस्थवीर जो है वो सिंह है ना, और जो दूसरा है वो हो गया व्याघ्र, ठीक है, और तपस्वी तो मैं ही था, ठीक है। तो कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। अब इस कहानी को बूझिए आप और मुझे बताइए कि आपने इस पे क्या बूझा, क्या बुद्ध की प्रबंधन है और क्या इसमें समस्या है। इसमें तो मुझे समस्या ही अभी तरीके से समझ में नहीं आई कि समस्या क्या है। मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि समस्या अब आएगी। हाँ, तो ऐसा कई बार होगा जहाँ तक कथाएं पढ़ते हुए, उसकी चाबी जो है वो मैं दे देता हूँ कि जब समझ ऐसे समझ में ना आए तो उसको समझने का एक ही तरीका है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि बोधिसत्व जो है वो बुद्ध की प्रबंधन देता है, ठीक। ओके। हमको तुरंत अपना फोकस जो है बोधिसत्व पर ले आना है। इस कहानी में बोधिसत्व कौन है? तपस्वी है, तपस्वी। और तपस्वी ने उनको बता दिया कि भाई न तो सर्दी जुन्न पक्ष न काल पक्ष, जब वायु चलेगा तो सर्दी होगी, है ना, इसलिए तुम दोनों अपराजित हो, ये निवारण है। अब बोधिसत्व ने बुद्ध की प्रबंधन इसमें क्या दिया? दोनों को उचित ठहराया, दोनों अपराजित है, नहीं तो वाद विवाद वाद विवाद खाम होता। खा हाँ बढ़ता है ना काम। और तुम दोनों उम्र के उस जिस पड़ाव पर हो, एक सिंह है एक व्याघ्र है, दोनों अस्थवीर हो, है ना, उच्च अवस्था पर पहुंचे हुए, एक सिंह है एक व्याघ्र है, दोनों सिंह और व्याघ्र कभी लड़ा है, लड़े हैं आप तो मालूम है कोई ऐसा केस जहां नहीं। पर कि नहीं लड़े हैं, है ना। तो इसलिए दोनों को, माने एक है कि इनको अगर यही कह दें कि भाई तुम दोनों गधे हो, सपोज कीजिए कि न तुमको ठीक से मालूम है, न हो तो गए हो बूढ़े, हो तो गए बूढ़े, पर अकल तो आई नहीं। किसी को जैसे मेरे जैसा मैनेजर होगा तो किसे कहेगा क्या है, तुम लोग ऐसे बूढ़े हो गए अभी तो तुमको पता नहीं कि सर्दी किससे पड़ती है, सर्दी तुम चंद्रमा से नोट कर रहे हो,
कि शुक्ल पक्ष को पढ़ दिए कि कृष्ण पक्ष को पढ़ दिए, समझे मेरे, ये कहने का अभ्यंग है, लेकिन शास्त्र है, शास्त्र तो कहेंगे नहीं ऐसे। मान लीजिए इसका उत्तर जो है यही, ये भी तो दे सकते थे जैसे मैं दे रहा हूँ, क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहे हैं, है ना। सर्दी, सर्दी जो चंद्रमा को देख के पड़ेगी, सर्दी तो वायु पर डिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन वो ऐसी बात कहेंगे नहीं जिससे कि दुख हो, आपके दिल को ठेस पहुंचे, तो बात को घुमा देंगे, बोधिसत्व को लाएंगे बीच में, एक कहानी कहेंगे, और बोधिसत्व कहेगा, बोधिसत्व कहेगा कि भाई तुम दोनों ठीक हो, अब इसका एक्चुअल रीजन तो कुछ और है ना, जो एक्चुअल रीजन तपस्वी ने बता दिया, तपस्वी ने बता दिया, मैं शास्त्र बता रहे हैं, क्योंकि तो लास्ट में कह दिया कि तपस्वी तो मैं ही था, है ना, तो मैंने इनडायरेक्टली उनको ये बता दिया। अब साथ में ये भी बता दिया, दोनों जानवर हो, व्यंग देखिए कहाँ छुपा हुआ है, कि एक सिंह है एक बाघ, एक सिंह है एक बाघ, दोनों जानवर, मैंने अभी तक पता तुमको ये नहीं चला कि सर्दी किससे होती है ना, ठीक है। तो ये बुद्धि की प्रबंधन है कि भाई मन को ठेस मत लगाइए, भाषा ऐसी, अपना वाचा ऐसा हो, हम चूंकि मैनेजर हैं, ही इज द इंचार्ज ऑफ द जितवन विहार, उनके पास आए हैं वो शंका लेके, हो सकता है उनके बीच की अपनी कोई प्रॉब्लम हो, भाई सर्दी नहीं बर्दाश्त हो रही है, तभी ना पूछ रहे हैं कि भाई सर्दी कब पड़ती है, कभी कभी अगर आप फील किए हो तो, अक्सर दो बूढ़े बूढ़ों को सर्दी ज्यादा लगती है, समझे कि नहीं। तो इसी चीज को लेकर के वो डिस्कस भी करते हैं, सर्दियों में कभी पार्क में जाएंगे ना तो आप बूढ़ों को सुनिएगा, वो इसी ढंग की बातें करते हैं, सर्दी कब पड़ गया, चाई वाला ये पहने थे तो सर्दी कम हो गई, वो खाए थे तो सर्दी कम हो गई, आप समझ रहे ना, या इससे बढ़ गई, हम तो लस्सी पी लिए, ऐसा हो गया, तमाम तरह की। तो हो सकता है ये दोनों माने सर्दी से परेशान है, ठीक है, एक उससे पूछ रहा है, एक उससे पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि जो जो रास्ता है सर्दी को रोकने का, वो तो भाई भाई वायु से आप अपना बचाव कीजिए, वायु से सर्दी पड़ती है, अब हो सकता है वैसे बचाव का कोई साधन ना हो उनके पास, मे भी है ना, अरण्य में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, जंगल में तो क्या तो बचा इस तरह की, हाँ करके। जंगल में इस तरह की सिचुएशंस हो सकती है। तो समस्या मुझे लगता है कि समस्या इस ढंग की है कि वहां अभाव है और सर्दी जो है थोड़ा ज्यादा है, लेकिन दूसरी बात है कि भाई ये बूढ़े हो चुके हैं, है ना, और इनमें जो है वो उस ढंग की जो शारीरिक, अब ध्यान तो करते हैं, क्षमता ध्यान से, जो है। ऐसा तपोबल हो जाता है कि भाई सहन कर सकें, किसी भी सर्दी गर्मी सहन क्षमता बनाए रखें, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा सबके लिए, तो आवश्यक नहीं कि सब समान होगा, है ना, इसलिए वो जेतवन में भी आ गए हैं, अभी तो कुछ रिलीफ मिला है ना, और उनको इस ढंग से समझा दिया गया कि भाई दोनों जानवरों जैसी बातें कर रहे हो, तो बुद्ध की प्रबंधन उस ढंग से कहने का है कि भाई अच्छा, अब इसको 72 थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखिए, है ना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का आप कई बार ये पाएंगे कि लोगों को एक्चुअल रीजन मालूम नहीं होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट और चलता रहता है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना। उदाहरण उदाहरण के लिए एक ये कहा जाता है आमतौर पर कि इतिहास को लेकर कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री होने थे उनको जवाहरलाल क्या नाम है उनका, जी, नहीं, सरदार वल्लभ भाई हाँ पटेल को बनना था पहला पटेल को, प्रधानमंत्री। अच्छा जी, हाँ, हाँ लेकिन तो उनमें से बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि पहले आम चुनाव से पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की देहांत हो गया था, तो सही जी, जानकारी तो पता नहीं है, पता लेकिन नहीं, हाँ लड़े मरे पर। विवाद हाँ, चलता रहता है, विवाद विवाद है चलता ना, तो इस है। ढंग की शंकाएं होती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, काल का अपना पर्सपेक्टिव है, जुन्न का अपना पर्सपेक्टिव है, सर्दी के बारे में एक्चुअल रीजन मालूम नहीं है, है ना, अथवा उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि उस ढंग, आप जनरल इस तरह के मैंने भी पाया है कि जो कॉन्ट्रेडिक्शंस हैं उनका एक्चुअल रीजन तो मालूम नहीं है, जिस पर जो कि दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, सर्दी जो है वो डिपेंड नहीं कर रही है चंद्रमा के पोजिशन पर या चंद्रमा के पक्ष पर, कला पर, चंद्रमा की कला पर सर्दी डिपेंडेंट नहीं है, मेन रीजन कुछ और है
है ना, आमतौर तो पर उसको ऐसा रहता है ना सर कि अगर रीजन पता हो तो कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं तो या तो बिल्कुल। और रिजॉल्व साथ होते हैं, में क्योंकि जब रीजन पता है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने हाँ की कोशिश की जाएगी, लेकिन की जब जाते तो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन ही रिजॉल्व, नहीं पता तो फिर ये चीज होती हाँ रहती। तो इसलिए रिजॉल्व करने का एक बहुत अच्छा इसमें मेथड ये बताया बोधिसत्व ने कि दोनों को उचित ठहराया। हाँ मैं ऐसा कह रहा हूँ जो कि आम आदमी है, आम जो बुद्धिस्ट मैनेजर नहीं है वो इसी तरह का, क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं, हाँ आमतौर पर ये है ना। होता ही है तुम ना, बच्चों के साथ भी हाँ स्कूल में भी हाँ अपन मजाक उड़ाने लगते हैं लोगों का। हाँ कि तुमको भी कुछ नहीं मालूम है, उसको भी कुछ नहीं मालूम, लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं कह रहे। बुद्ध कह रहे तुम लोग दोनों अपराजित हो, तुम लोग दोनों ठीक हो, ऐसा नहीं कह रहे तुम दोनों गलत हो, राइट, है ना। देखिए बहुत नोट करने वाली चीज है, बुद्धिस्ट मैनेजर जो है वो ऐसा कभी नहीं कह रहे, उसको जो मेन रीजन मालूम है, हाँ लेकिन फिर भी दोनों को गलत नहीं कर रहा है कि तुम लोग दोनों मूर्ख हो या है वगैरह वगैरह, है ना। काल घुमा करके सिंह और व्याघ्र की पदवी दे दी कि एक व्याघ्र है एक सिंह है, लेकिन ऐसा कह रहा है कि तुम दोनों के जो है अपराजित है, तुम दोनों का मत जो है, तुम दोनों का कथन अपराजित। तो ये इसकी ब्यूटी है बुद्ध की प्रबंधन की, जो टेक्निक है वो ये है, कि आपको किसी को भी निराश ना करते हुए भी आप अपनी बात कह सकते हो अच्छे तरीके से, कह या सकते हो अपना अच्छी पक्ष रख तरीके सकते से। हो, या जो आप हाँ कम्युनिकेट करना चाहते हो कम, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है, हाँ मेरी जो जबान है बड़ी कड़वी है, मैं जब किसी हर को बोलता हूँ तो कम्युनिकेटर के सीधे लिए, सीधे जी जी दिल पे लग जाती है। हाँ तो हर मोटिवेटर के लिए जो अच्छा कम्युनिकेशन है वो इसी तरह से होता है कि बिना उस चित्त को ठेस पहुंचाए, बिना अगले को ठेस पहुंचाए, है ना। और ये आगे भी कहानियां इस तरह आएंगी जिसमें ये शास्त्रा ने बताया है तरीका कि भाई एक चीज को कहने का ढंग ये भी है इस ढंग से, और मतलब यहाँ पर एक इन्होंने चीज को आप इसलिए कई तरीके से कह सकते हो कह उसमें। सकते हैं। उसमें हाँ कोशिश ये कीजिए, जो बुद्धिस्ट मैनेजमेंट का तरीका वो ये है कि कि अगले दूसरे को को ठेस ना पहुंचे। ठेस ना पहुंचे, है ना, आपकी बात भी कम्युनिकेट हो जाए, इस ढंग से लेना तो चाहिए, इस चीज को, इस एग्जांपल को हम कई जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर लगभग सकते हैं। घर में, परिवार में, आपके ऑफिस में, आपके दोस्तों के बीच, आप कहीं दूसरी जगह बाहर हो वहां पर, मतलब हर जगह कौन गलत है कौन सही है, मैं उस प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके बात करने का तरीका आप अपना बहुत ही संयमशील रखिए, कि जिसमें कि दूसरे को बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो, एग्जैक्टली बहुत और ज्यादा ऐसा हर्ट ही, ना हो उसको। हाँ और ऐसी स्थितियां होती हैं, है ना, शंकाएं होती हैं, क्योंकि दोनों परसेप्शन देखिए अलग अलग हो सकता है, एक ही बात नहीं, वो उसका सोचने का ढंग अलग है, इसके सोचने, तो परसेप्शन। और ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह वो हाथापाई करेंगे कि घुसेबाजी करेंगे, मनमुटाव भी तो हो सकता है। मेरा एक कथन है वो मान नहीं रहा है, तो मन में एक भावना, एक उसके उसके मन प्रति में एक रख लेते हैं। दुर्भावना है आजकल ना, तो सर ये शीत युद्ध ज्यादा होता है ना, अशीत युद्ध ज्यादा होता है, तो ठीक है मन आपस में में रख गाली लेते गाली हैं, ब्लॉक कर और देंगे, उसको देख के एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा, ब्लॉक तो कर देंगे, उसमें डिलीट जो हटा देंगे, कॉल नंबर डिलीट कर हाँ देंगे, मैसेज नहीं करेंगे। हाँ तो ये तमाम तरह की चीजें हो सकती है ना। ये भी मतलब मत, ये क्या कहते हैं, मत विभिन्नता का एक प्रकार हुआ। अब मान लीजिए ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं बुद्धिस्ट मैनेजर के पास, जो हायर बॉस, हायर जो बॉस है उनके पास आते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका मैनेजमेंट इस तरह से हो कि दोनों पक्ष जो हैं वो सेटिस्फाइड हो, इसी मतलब को कहते विन-विन हैं सिचुएशन विन हो आपकी। ठीक विन विन सिचुएशन, है ना, विन विन सिचुएशन। तो यही लक्ष्य है बुद्ध की इसमें प्रबंधन का, यही लक्ष्य। इसमें सर और कुछ ऐड करना चाहेंगे? और इसमें ऐड करने के लिए एक बात तो बहुत आवश्यक है ना, वो ये है कि जो बुजुर्ग हैं, है ना, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए खास करके ये कहानी इस ढंग से अपील कर रही है कि भाई जो अगले का तर्क है ना, जो अगले का तर्क है और जो आपका तर्क है, इन दोनों को मिला करके, है ना, इन दोनों को मिला करके अगर एक सम्यक वाला आप निकालते हैं, मान लीजिए आप इस चीज को इस तरह विस्तार दें कि ये दोनों अस्तवेर शास्त्रा के पास न जाते, तो क्या वो स्वयं दोनों बैठ करके इस चीज का निर्णय नहीं कर सकते थे?
मेरे हिसाब से तो डिस्कस थर्ड पर्सन चल का रहा है। इंटरवेंशन जरूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो इसका मतलब इंटरवेंशन जहाँ जरूरी था, इसका मतलब वो दोनों अपने को अक्षम पा रहे थे, है ना, अपने को इस लायक नहीं पा रहे थे कि हम जो है एक मत स्थापित कर सकें, है ना, एक मत हो सके, है ना, दोनों विभिन्न मत के हो गए और प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। सर्दी तो एक जस्ट उदाहरण हुआ, कोई भी ऐसा पक्ष हो सकता है जिसमें कि एक मत नहीं हो रहे हैं, है ना, तर्क तर्क हो सकता है, तर्क नहीं तो चलिए क्या उसे कहते हैं कि खामोशी हो सकती है, पूछे उससे, हाँ ऐसा नहीं है, वो भी कहेगा ऐसा नहीं, हो गया जी बात खत्म, है ठीक ना, दूरी बन गई, है ना, दूरी बन गई। तो क्या ये उचित नहीं होता कि भाई दोनों इस बात पर जो से पैरामीटर्स हैं तो आप अस्थिर हैं, है ना, एक पहुंचे हुए स्टेज पर है, वहां पर आपको ये आवश्यक है कि भाई आप ये आपस में इसकी चर्चा करें, इन इन पर विचार करें, है ना, और उसके बाद एक आप एक मुख्य बिंदु पर आए, है ना, जानने की कोशिश करें कि भाई ये इसका कारण क्या है ना। तो ये एक तरह के कम कम से कम जो शास्ता है, शास्ता की जगह अगर मान लीजिए, हर जगह शास्ता तो आपको नहीं मिलेंगे ना, वृद्धों को हर जगह शास्ता तो नहीं मिलेंगे, तो परिवार परिवार में भी मान लीजिए कंबाइंड फैमिली है, उसमें दो बूढ़े हैं, है ना, तो इस ढंग से परिवार में जो है क्या कहते हैं, एक खिन्नता रहेगी, है ना। तो ये बूढ़ों को भी आपस में मिल करके इस ढंग से विचार करना आवश्यक है मेरे ख्याल से, है बिल्कुल ना, कि इंस्टेड ऑफ कि हम दूसरी जगह भागे, है ना, और वहां आगे जो आगे जिसके पास आप जा रहे हैं जो रिजॉल्व करने का, अगर वो बुद्धिस्ट मैनेजर नहीं है तो वो तो उल्टी पट्टी भी पढ़ा सकता है, हाँ, तो तो वो मतलब खतरा भी कुछ आप ये होता कहना चाहते हैं कि अगर आप सक्षम हैं, दोनों समझदार हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपस में ही उसको रिजॉल्व कर लें, है है, रिजॉल्व कीजिए, ना। करेक्ट, उसके तरीके आपस में, दूसरे हो सकते हैं, कई सारे जी तरीके जी हैं। जी आप या तो आप सामने वाले की पूरी बात सुन लें, फिर अपनी बात कहें, या तो आप बिल्कुल, उसको समझाओ, एक दूसरे को आपस में समझाओ, लड़ो मत, बिना लड़े, बिना हाँ चिल्लाए, बिना गाली गलौज करे, हाँ आप खुद और तसल्ली से बैठ के बात करो, तो माइंड भी सारी चीजें खुद आपस में ही आप रिजॉल्व हाँ, कर लेंगे। और थोड़ा साइंटिफिकली क्या क्या रीजन हो सकते हैं और क्या रीजन हो सकते हैं, है ना, तो हो सकता है कि आपको रीजन पता। आप छोटा सा देखिए, अभी मान लीजिए दोनों, अभी पुतिन और जो दूसरा है यूक्रेन वाला, छोटी सी बात कहता हूँ, दोनों देखिए शासनाध्यक्ष हैं, अब मामूली आदमी तो नहीं है, मामूली आदमी तो नहीं है, बूढ़े से सुलझे हुए आदमी है ना, इतने बड़े सत्ताओं को चला रहे हैं, लेकिन आपस में बैठ करके नहीं फैक्टर्स नोट कर रहे हैं भी किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे बीच, है ना, क्यों नहीं एक मत हो पा रहे हैं उसमें, अब जाएंगे उसके पास, नाटो के पास जाएंगे, फलाने के पास जाएंगे, है ना, अमेरिका के पास जाएंगे, और वो जरूरी नहीं कि बुद्धिस्ट मैनेजर तो अब रहे नहीं, हाँ, पूरी जरूर, ग्लोबल हर सिचुएशन इंसान में का आप अपना निधि अपना निजी स्वार्थ इंसान पहले देखता है। हाँ स्वार्थ पहले देखता है, तो इस ढंग से वो सिचुएशन इसलिए और खराब होती जाती हाँ है ना, आज इतने दिन हो गए और ये जो इतने है सारे लोगों की रुकने जान का चली जान गई। हाँ चली गई, इतने तबाही हो गई, अभी हाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हाँ तो ये दोनों एक सिंह है एक व्याघ्र है ना, ऐसा दोनों जानवरों की तरह काम कर रहे हैं, तो खैर मुझे कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं शास्त्र की भाषा में को घुमा करके कहते हैं, है ना, तो इस ढंग से बात है ना। तो कहानी की देखा जाए तो विस्तार बहुत है ना, मतलब एक ही चीज को आप कई सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं, एक कोई एंगल से, एक पर्टिकुलर एक ही सिचुएशन पे ये लागू नहीं होती, क्योंकि जी जी कॉन्फ्लिक्ट्स जी आप भाई बहन के बीच भी हो सकते हैं, भाई भाई के बीच में भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी बिल्कुल, हो सकते हैं, एक कोई एग्जैक्टली अगर आपका बिजनेस पार्टनर है तो उसके बीच में भी हो सकते हैं, कलीग्स के बीच में भी हो सकते हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स के बीच में भी हो सकते हैं, स्टूडेंट टीचर के बीच में भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस के बिल्कुल, बीच में भी हो सकते हैं, कई हर जगह कॉन्फ्लिक्ट होना है, होना है, ये तो नेचुरल चीज है। हाँ वो नेचुरल आदमी चीज है, कहावत है ना इसलिए कि दो बर्तन अगर होंगे तो बजेंगे जरूर। हाँ, इसलिए पिन पॉइंट क्या करना है आपको, देखना है कि प्रॉब्लम क्या है और उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, अपने प्रॉब्लम क्या है परसेप्शन और को मत रीजन ला क्या है। दो, हाँ ठीक उसके साइंटिफिकली उन उन रीजंस को फैक्टर वाइज लिखो, उन फैक्टर्स को, कि जिसकी वजह क्या से क्या हम प्रॉब्लम, क्या वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो रीजंस हैं, क्या वो किस तरीके से रिजॉल्व हो सकते हैं, क्या हमसे रिजॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या हमें थर्ड पर्सन का इंटरवेंशन करवाना हाँ जरूरी है, नहीं तो वो उससे सारी चीजों पहले, को।
हाँ मतलब मैं मेरी वही बात चीज सुनिए, बोल रहा हूँ उससे सर। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो आउटकम है इसके कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। आपने सिर्फ एक चीज देख लिया, लाइट को देख लिया, मून लाइट को देख लिया, है ना, आपका परसेप्शन है। हो सकता है आपको ठंड लग रही हो जिस समय कृष्ण पक्ष हो, चंद्रमा नहीं हो, आपको ठंड लग रही हो। उसको जब आकाश साफ था, चंद्रमा पूरा खिला हुआ है, उस समय इसको ठंड लग रही हो। अब समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम है ठंड की, ठंड की प्रॉब्लम। अब वो ठंड के अगर सारे फैक्टर्स नोट करें भी किसकी वजह से हो सकता है ना। वो आपका परसेप्शन है, आपने चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष में था तब देखा था ठंड लग रही थी, इसने देखा जब तब शुक्ल पक्ष में ठंड लग रही थी, ठीक है। लेकिन और जो फैक्टर्स हैं, वायु को इन्होंने बिल्कुल माइनस कर दिया है ना, या और जो जो दरख्त हैं उनको फैक्टर में नहीं लिया। तो लगभग सारे फैक्टर्स को आप पहले पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि इस प्रॉब्लम जो जो आउटकम है इस किसकी किसकी वजह से हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद में दोनों बैठिए और ट्राई टू रिजॉल्व योर सेल्फ, है एग्जैक्टली ना। सर, एग्जैक्टली। बहुत बहुत यस शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जसवी चावला जी आपका, कि आपने इतने तसल्ली से, इतने गहन, मतलब हालांकि ये समस्याएं काफी आम है, हम दैनिक जीवन में इनको फेस कर रहे होते हैं, लेकिन इसको रिजॉल्व किस तरीके से करना है, साइंटिफिकली तरीके से, या एक मेच्योरिटी दिखाते हुए हम किस तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, वो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज से इतने हजारों साल पहले जी साष्टा जी तथागत गौतम बुद्ध ने ये सारी चीजें हमें बता रखी हैं, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत से बुद्ध का जो पूरा ज्ञान है वो विलुप्त सा हो गया है। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप दोबारा इसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय श्री धन्यवाद कृष्ण। धन्यवाद। जय भीम ने वो बताया। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और कभी भी किसी को डायरेक्टली इस तरीके से बात नहीं कहनी चाहिए जो कि डायरेक्ट उसको हर्ट कर जाए बहुत बुरी तरीके से। ये जो सम्यक प्रबंधन है, जो बुद्धिस्ट जो मैनेजमेंट है, उसका एक नियम है कि आप किसी को हर्ट नहीं करना है। ये मेरे ऊपर ज्यादा लागू होती है क्योंकि मेरी जवान बड़ी कड़वी है, लोग कहते हैं मैं करेला ज्यादा खाता हूँ इसलिए कड़वी है। तो मैं भी अपने ऊपर काम करूंगा, आप लोग भी अपने ऊपर काम करें कि हम जितना संयम रख के, जितनी अच्छी भाषा में, जितनी मीठी भाषा में हम किसी को समझा पाए उतना ज्यादा अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत कुमार मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवाहर।